हेलो दोस्तों, टीएन टेक्स आप सब देख रहे हैं। दोस्तों आज बात करेंगे आप लोगों के सवाल और जवाब की। जब भी हम वीडियो रश्मिका मंदना और खेसारी लाल यादव जी के जब भी गाना के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास एक कमेंट आता है कि क्या ये दोनों जोड़ी गाना में नजर आने वाले हैं या आ सकते हैं। ये एक समस्या हो जाती है। फैन चाहते हैं कि कोई भी खेसारी लाल यादव जी के साथ कोई नया एक्टिंग मिले, वो भी रश्मिका मंदना के साथ गाना आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। हालांकि रश्मिका मंदना साउथ यानी तमिल मूवी में काम करती है और हिंदी 25% ही समझ में आता है, और खेसारी लाल यादव जी के भोजपुरी भाषा और हिंदी दोनों भाषा बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर रश्मिका मंदना को भोजपुरी में लाया जाएगा तो भोजपुरी कितना समझ में आएगा वो तो भगवान जाने। हालांकि एक्टर को सारा भाषा समझ में लगभग आ ही जाती है समझाने पर, लेकिन आपको जानना होगा कि अगर रश्मिका मंदना भोजपुरी में खेसारी लाल यादव जी के साथ अगर आती है तो 12 से लेकर 15 लाख के बीच में इनका पैसा होगा, चार्ज करेंगे एक गाना का। वहाँ खेसारी लाल यादव जी का भी रेट बढ़ जाएगा 12 से 15 लाख के बीच में। दोनों रेट सेम टू सेम है और एक साथ गाना करने का मतलब कि गाना के बजट होगा कम से कम 1 करोड़ रुपया, क्योंकि भाई गाना भी उसी अनुसार लिखाएगा। और 1 करोड़ 1.5 करोड़ के जो भोजपुरी में गाना आएगा, जितना हमारे भोजपुरी का फिल्म का बजट होता है 3 से 4 करोड़ रुपया, अगर एक साथ भगवान करे कि आ जाए तो खुशी तो इतना ही मारे लोग पागल हो जाएंगे। बट किस्मत का खेल कुछ भी हो सकता है, और मैं भी चाहता हूँ कि इन दोनों जोड़ी एक साथ आए, लेकिन संभव नहीं, असंभव थोड़ा लगता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों जोड़ी जिस समय एक साथ आ जाएगी उस समय बहुत ही बड़ा धमाल होगा। लेकिन आप लोगों के क्या कहना है कि आ सकता है या नहीं, आप जरूर कमेंट करके जाएं।